गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, ये वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम उनकी पोएम्स को कवर कर रहे हैं। अभी हमने उनके इम्पॉर्टेंट पोएम्स के बारे में देखा है शॉर्ट में, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अब हम जो है उनकी पोएम को डिटेल में देखेंगे। डिटेल इन द सेंस मतलब उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में तो बाद में देखेंगे, लेकिन उन पोएम्स के बारे में और भी कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपसे ये कहना चाहूँगी, तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, और फैमिली को 1000 तक पहुँचाने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, वर्क है उनका, उस पर है, और उसका नाम है द प्रील्यूड। और इसका जो अदर टाइटल है वो है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रील्यूड का और दूसरा नाम क्या है, अदर टाइटल क्या है, तो वो है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1850 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम के बारे में मतलब इसमें हम देखेंगे कि इस बुक में और कितनी मतलब इंक्लूडेड कितनी चीज़ें हैं उसको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले इस मतलब इस वर्क से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो ये है कि जो प्रील्यूड है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, किस जर्नी में, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है आपका एग्ज़ाम में। तो जो द प्रील्यूड है वो रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो द प्रील्यूड है ये किस में लिखा है, मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रही हूँ कि आपको याद रखना है, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो इनका ये वर्क है ये क्या है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये पोएम मतलब कितने पार्ट्स में है, कितनी बुक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो जो ये द प्रील्यूड है ये बेसिकली 14 बुक हैं। बट 1805 वर्जन की अगर हम बात करें कि 1805 का जो वर्ज़न था उसमें 13 बुक्स थी, 14 बुक्स नहीं थी। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि 1805 वर्जन के द प्रील्यूड में कितनी बुक्स इंक्लूडेड की थी वर्ड्सवर्थ ने, तो आपको ध्यान रखना है 13 करना है, 14 को टिक नहीं करना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि फाइनल वर्जन या फिर 1850 के वर्जन में कितनी बुक्स थी, तब आपको बताना है 14 बुक थी। तो ये दो फैक्ट आपको 1805 वाले और 1850 वाले, ये दोनों बिल्कुल याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से देखिए, एक चीज़ और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, ही हैड कम्प्लीटेड मोस्ट ऑफ इट इन 1805, मतलब इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वो इन्होंने 1805 में ही कम्प्लीट कर लिया था। लेकिन इस बुक को इन्होंने एट द मतलब अपनी डेथ तक भी इसे ये कम्प्लीट नहीं कर पाए थे। यानी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इनकम्प्लीट थी ये एट हिज डेथ तक। ठीक, तो काफ़ी सारे फैक्ट हो गए इसमें। देखिए, पहला तो ये हो गया कि ये मिल्टोनिक वर्स फॉर्म में है, सेकंड हो गया ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, थर्ड है कि ये कम्प्लीट ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लीट 1805 में हो गई थी, लेकिन इनकी डेथ तक ये क्या थी, इनकम्प्लीट ही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1805 वाला फैक्ट जिसमें 13 बुक हैं, उसके बाद 1850 वाले वर्जन की बात करें तो इसमें क्या है, 14 बुक हैं। इसको आप ध्यान रखिए। अब इस प्रील्यूड में जो 14 बुक हैं उनके नेम भी जानने हमें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5-6 फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बाकी अब इनके बुक के नेम देख लेते हैं। तो देखिए, जो बुक फर्स्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। ये भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है कि इनके फर्स्ट बुक का क्या नाम था, तो नाम था इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। सेकंड बुक का क्या नाम है, बुक नंबर सेकंड क्या है, स्कूल टाइम कंटिन्यूड, यानी स्कूल टाइम के बारे में जो इन्होंने बताया है वो सेकंड बुक में जारी रखा है। फिर आगे देखिए, थर्ड है, थर्ड बुक में इन्होंने रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज की बात की है कि कैम्ब्रिज में इनका रेजिडेंस, उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे हम बात करें, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है तो इसमें ये अपने बारे में ही बताएंगे, जाहिर सी बात है। तो फोर्थ बुक में जो है वो क्या है, समर वैकेशन उसका नाम है, क्या नाम है, समर वैकेशन फोर्थ बुक का नाम है। फिफ्थ बुक का जो नाम है वो नाम ही है बुक्स, क्या नाम है, बुक्स, फिफ्थ बुक का नाम, जिसे आप ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजिंग है।
अगला जो है सिक्स्थ बुक है उसका नाम क्या है, कैम्ब्रिज एंड द आल्पस। ठीक, सेवन्थ बुक की अगर हम बात करें तो रेजिडेंस इन लंदन। तो देखिए जो सेवन्थ बुक है वो रेजिडेंस इन लंदन की बात करती है, और जो इसके पहले थी वो कहाँ पे थी, कैम्ब्रिज की थी, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज थर्ड बुक में। आगे हम चलते हैं, आगे अगर हम बात करें बुक नंबर एट की, तो बुक नंबर एट क्या है, रिट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। ये इनकी एट्थ बुक का नाम है। अगर हम नाइन्थ बुक की बात करें तो रेजिडेंस इन फ्रांस। फिर उसके बाद है टेंथ बुक, टेंथ बुक में क्या है, रेजिडेंस इन फ्रांस कॉन्टिन्यूड, यानी कि ये जहाँ जहाँ पर जाकर रहे थे, अपना रेजिडेंस बनाए थे, जहाँ रहे थे उसके बारे में भी इन्होंने इस बुक में बताया है। तो ये कई जगहों पे, आई थिंक तीन से चार जगहों पर ये रहे थे, स्कॉटलैंड में गए थे, लंदन गए थे, फ्रांस गए थे, फ्रांस तो ये तीन बार गए थे, तीन विजिट की थी इन्होंने, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। आगे हम बात करें तो देखिए बुक नंबर जो 11 है इसमें इन्होंने फ्रांस को क्या किया है, कंक्लूड किया है, यानी कि उसके कंक्लूजन के बारे में, लास्ट में जो उन्होंने फीलिंग की, जो रहा, जो फील किया, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। अगर बुक नंबर 12 की बात करें तो क्या है, इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, ये इनकी बुक नंबर 12 है। अगर हम बुक नंबर 13 की बात करें तो बुक नंबर 13 का जो नाम है वो है इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रीस्टोर्ड कॉन्क्लूडेड, यानी यहाँ पर इन्होंने इसकी स्टार्टिंग के बारे में बताया है, बट फिर उसको यहाँ पे कॉन्क्लूड किया है, उस थॉट को, उस इमेजिनेशन को। ये बुक नंबर 13 की बात हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था 1805 के वर्जन में कहाँ तक बुक थी, ओनली 1800 मतलब यहाँ तक थी, बुक नंबर 13 तक थी, यानी कि प्रील्यूड यहीं पे ख़त्म हो जाती है 1805 के वर्जन में। लेकिन अगर हम 1850 के वर्जन की बात करें तो एक पार्ट उसका और है, उस पार्ट का नाम है बुक नंबर 14, क्या है, कंक्लूजन। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर इसे कर लेंगे, बस वीडियो को दो से चार बार देख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले कर लीजिएगा या फिर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं दे रही हूँ। आगे जो है वो और भी अदर बुक्स के बारे में, उन बुक्स के अंदर कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम इनकी बायोग्राफी के बारे में चलेंगे, फिर हम इनके डिटेल्ड पोएम के जो समरी है उसको देखेंगे। इसी में बीच बीच में मैं क्वेश्चंस वगैरह भी ले आती रहूँगी आपके लिए। ज़रूर कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ मैंने चलाई है, ये आप लोगों को भी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपका कोई और सुझाव है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लास्ट तक वीडियो में बने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।